आज है मेहंदी का दिन, अब इनकी बातें खत्म नहीं होंगी। 80 करोड़ की ज्वेलरी लाई है। मम्मी कितने लोग आए बाहर? मम्मी लाई 80 करोड़ की ज्वेलरी। तू मेरे घर आना। मंगवी चीजों में लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं। शादी में यही तो होता है गाइस। भैया आपको ध्यान रखना है, लव स्टोरी यहाँ पे कर रहे हैं अपनी पूरी। तो भाई मेरी बहन आ गई है दिल्ली से स्पेशल मेरे लिए। आई एम 36 ईयर्स ओल्ड लेडी और मैं ऐसा धमाल करने वाली हूँ। तूने सारे हेयरबैंड खो दिए हैं। किसे बोलते हैं बचत करना। फाइनल बहुत अच्छा करा। अपनी मांग सुहागन हो। ये फंक्शन ना हमारा नहीं है। मैं सबसे सुंदर मोरनी हूँ। मोर बन लो। अच्छा अच्छा हम तीनों। भैया मेरी बात सुनो। पागल है क्या? भाभी मत रो। पायल देख, पायल भाभी रो रही है। हंडी छोरा हंडी हंडी काम करूंगा। बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है मेहंदी का दिन, तो हमारे मेहंदी वाले भैया आ चुके हैं। डेकोरेशन हो चुकी है डन, तो भाभी को बुला लिया ऊपर और लेके चलते हैं भाभी को मेहंदी लगवाने के लिए। ठीक है, पापा ने ना नई नई चीजें करते रहते हैं बच्चों के कमरों में। एक और कट्टा लगा लिया, खुश हो रही है। चलो ऊपर चढ़ो, आ जाओ और नीचे आना। मना कर गया तू। तो हमारी मेहंदी आर्टिस्ट ये नहीं है। आगे हमारे मेहंदी आर्टिस्ट आ रहे हैं। ना ना ना, मेहंदी की थीम पूरी रखी है। मेहंदी आर्टिस्ट ने भी जो है ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं। तो यहाँ पे जो है ना, हमने इसलिए ऊपर रखवाया कि मेहंदी जल्दी जल्दी लगेगी, जल्दी जल्दी सूखेगी, क्योंकि धूप और हवा दोनों है ऊपर। तो इसलिए हमने यहाँ पे अरेंजमेंट किया है ये। अभी और डेकोरेशन आ रही है। तो यहाँ पे है भाभी की मेहंदी। गोलू मैं चेयर लेके आ रही हूँ, चार। ठीक है, भाभी को मैंने बोल दिया सूट पहन के। भाभी हाँ, पिलो चाहिए, पिलो भी मंगा देती हूँ मैं, चार चेयर लेके। ठीक है, तो भाभी ने यहाँ पे बैंगल्स पहनी हुई है। तो हमने कहा भाभी एक एक बैंगल रख लो, हम भी मेहंदी लगाएंगे ना, तो एक एक बैंगल होनी चाहिए हाथ में। तो भाभी एक काम करना, इसको थोड़ा ऊपर कर लेना ना, इतना तो ऊपर यहाँ तक करना, क्योंकि ऊपर आगे कलर नहीं आता। वैसे भी ना जब लहंगा इतना होता है ना, तो पूरी मेहंदी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा गैप होना चाहिए। और आजकल जितनी भी इतनी है, इतनी तो होगी है ना, तो इतनी लगवानी, इतनी कोहनी तक लगवानी तक। वैसे भी आजकल फैशन इतनी का ही है। हाँ, आजकल ब्राइड्स इतनी नहीं लगाती। ये तूबा का सारा दिया बैंगल्स पे। मेरे को दे दो सारी चूड़ियाँ, ताकि मैं उठा उठा के पटकू इनको। तो हम लोग ना भाभी की पहले मेहंदी शुरू करवा रहे हैं, उसके बाद तो रिश्ते आराम से कराएंगे ना। हाँ, भाभी को बहुत टाइम लगना, बहुत घंटे लगने। हाँ, हम तो आराम से भी नहाएंगे धोएंगे तैयार होंगे फिर कराएंगे। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले लग रही है हमारी दुल्हन ब्राइड को मेहंदी। यहाँ पे शुरू हो चुकी है और इस बार मैंने मेहंदी आर्टिस्ट ना डिफरेंट बुलाया है, क्योंकि हर बार मैं दूसरों को बुलाती थी, इस बार मैंने दूसरों को चांस दिया है। मैं चाहती हूँ भाभी की मेहंदी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। तो मेहंदी आर्टिस्ट भैया हैं गौरव मेहंदी आर्ट। इंस्टाग्राम पे अगर आप इन्हें चेक करना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालूंगी और अपने इंस्टाग्राम पे इनके साथ वीडियोस भी डालूंगी, तो आप वहां से इनको फॉलो कर सकते हो। और अपनी वेडिंग के लिए या गोद भराई या कोई भी रस्म हो जिसके लिए आपको मेहंदी के लिए बुक करना, आप इन्हें बुक कर सकते हो। ये ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्वादिष्ट भोग जो है वो रेडी हो चुका है। तो मैंने बोल दिया बच्चों की नानी को, वो नहा कर आया, मैंने कहा आप भोग लगा दो, साथ में हमारी लक्ष्मी लगा लेगी। तो वो इधर आओ, इधर आओ, आंटी पर जाओ, भोग भोग लगा दो। जाओ भोग लगा दो। चलो ठीक है, मैं साथ चलती हूँ। चलो आज आज वो भूख लगा दो। ओहो गाइस, ना पैरों में दर्द हो रहा है, इतना पैरों में दर्द हो रहा है बता नहीं सकती। दो दिन कल खाए ग्लूट्स कर लिए ना, पैरों की तो बैंजू बज गई, मम्मा की पैरों की बैंजू बज गई। बैंजू इनसे पैंजू, बैंजू इनसे पैंजू। भूख लगा दो। दीदी हंस रही है। जय 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 जय। चलो तो भाई मेहंदी बहुत जबरदस्त लगने वाली है, क्योंकि मैं जब गई थी ना, ये लगा लो एक घंटा तो हो गया होगा, आधा पौना घंटा हो गया होगा, पौने घंटे पहले गई थी, तो ये सिर्फ इतना बन रहा था और यहाँ पे अभी इतना ही बना है। मतलब मुझे लगता है सबसे ज्यादा टाइम मैंने 4-5 घंटे कम बोले थे, भाभी को लगेंगे 7-8 घंटे मेहंदी में, और ऐसी जबरदस्त मेहंदी निकल के आएगी बिल्कुल डार्क मेहरून। तो यहाँ हमारी शांति भी बैठ गई, क्योंकि शांति जाएगी अभी घर। मैंने कहा तू लगवा के चली जा, ताकि जो आएगी ना तब तक तेरी सूख जाएगी। नींबू पानी का घोल बना के देती हूँ, नींबू चीनी वो लगा लेना। गोलू का है? गोलू गोलू मम्मी का है? मम्मी पायल का है? पायल मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। मम्मी बिना के नहीं थी, मैं 2 दिन से बोल रही हूँ। नहीं, ब्लॉग देख रही हूँ मैं तो 2 दिन से। मम्मी मैं आपको याद करूँ ना करूँ, कसम से मैं आपको याद नहीं कर। अच्छा नहीं करा, सच में कह रही हूँ, पर इसमें करा। मेरे को निष्ठा गई, निष्ठा गई, दीक्षा गई, लक्षा गई। दृष्टि आप चले गए थे क्या? कैसे हो? नहीं, आप चले गए थे घर वापसी? हाँ, चले गए थे। तो आना जाना क्यों? तो ये कपड़े ऊपर लेके आ गए ना, इसका एक लहंगा रह गया था, तो उसको जाना पड़ा लेने के लिए। फिर मैंने आना नहीं था, आप आ रहे थे। मैं ये है इसकी छोटी बहन, मर मैं मिली थी। औरतें मिल गई ना, अब इनकी बातें खत्म नहीं होगी। मम्मी आपको मम्मी के लिए ना 80 करोड़ की ज्वेलरी लाई है। मम्मी मम्मी भी होश हो गई।
ज्वेलरी लाए के नहीं लाए, अचार लाए, बताओ किसके लिए? मेरे लिए। पिसा रखा जाते अचार, इसको बचाया नहीं था। कह रही ज्वेलरी यार, मैं यहाँ बेहोश पड़ी हुई, अचार की पड़ी हुई है। मम्मी बेहोश होगी, पर वो थी कितने लोग आए बाहर, आने नहीं दे रहे मुझे। मम्मी को आने दू, एक डॉक्टर है वो, डॉक्टर आ गई, लगा दी। अच्छा मैं कह चलो आपकी ज्वेलरी आपको दे दूं। मम्मी लाई 80 करोड़ की ज्वेलरी, बोलो वहाँ से भी निकाल दो पहले। मुश्किल से लाई, अभी तो मैंने मंदीप को बुलाया था, छोड़ वहाँ से निकाल बेटा। ये देख, एक काम करो मम्मी, फिर आ जाना। अब के साजन तू मेरे घर आना, चूड़ियां हमारी बोल। तो गाइस अभी मैंने बहुत सारी ना ज्वेलरी मंगाई थी केशव ज्वेलरी से, तो वो सारी ज्वेलरी आ चुकी है। मम्मी के एड्रेस दिया था मैंने, क्योंकि और रह गई होगी तो आ जाएगी अगली बार जब आएगी। मैं सोच रही हूँ जो मम्मी ने हमें साड़ी दी थी, ये मम्मी ने दूसरे मम्मी ने साड़ी दी थी हमें, उनकी साड़ी पे लहंगी अच्छी लगेंगी, अच्छी लगेंगी। ये जो मंगलसूत्र है ना, ये बहुत टाइम से हमें ना ऐसा वाला बनवाना था, तो हम लोगों ने ये बनवाया है एकदम 50 कैरेट गोल्ड में। केशव ज्वेलरी से मैंने मंगाया, बिल्कुल गोल्ड जैसा लग रहा है और इसका कलर भी नहीं जाएगा अगर इसे आप अच्छे से केयर करोगे ना पन्नी के अंदर। तो मेरे पास सोने का क्लिप निकला। ओ मम्मी, इस पे तो ये हाथी के दांत लगे। पापा ने मुझे शादी की सालगिरह के लिए बनवा के देना तो पहले दे दिया, घर से आगे सरप्राइज दिया आपको। अच्छा चलो, ये आपको वही जाके भी देते थे। और दिखाते हो, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ज्वेलरी मंगाई है मैंने केशव ज्वेलरी से ना। इनका इंस्टाग्राम पेज ना मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालूंगी, आप वहाँ जाके इनको फॉलो कर सकते हो। क्योंकि देखो ओरिजिनल अकाउंट बाद में बनते हैं, फेक पहले बन जाते हैं, तो ओरिजिनल को मैं टैग करूंगी। अगर आपको ऑर्डर करना वहीं से करना। ये देखो बड़ी सुंदर ज्वेलरी है यार इसकी तो, बड़ी एंटीक भी है। ये देखो इसके डबल है, डबल भी है, सिंगल और डबल, जैसे दुल्हन का नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, दो डबल, एक बड़ा। आपका दिल करे छोटा पहनो, आपका दिल करे। ये तो मैं पहन रही हूँ अभी, मंगलसूत्र बहुत सुंदर लगा मुझे, ऐसा मंगलसूत्र बहुत सुंदर लग रहा है। इस पे लक्ष्मी माता बनी हुई है, बहुत ही प्यारा। अरे ग्रीन के साथ गोलू, आज अपना ग्रीन लगा है, क्या पहने? देख ये भी अच्छा लग रहा है ना, देख मेरी ज्वेलरी देख, देख लक्ष्मी ना मंगलसूत्र बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये उस स्टाइल का लग रहा है आपका ना, ये बड़े वाले दो छोटे। ये देख निश्चा सुंदर है, जागो भी ये पहन सकते। हाँ दीदी, आप ग्रीन, हाँ ग्रीन आगे कर ले, मेहंदी ग्रीन। तो एक बात मैं बोलती हूँ, पर तुम सब बताना है कि नहीं, जितनी मर्जी ज्वेलरी आने लड़के पर ज्वेलरी दूसरों के पसंद आती है। मुझे बात की अच्छी लग रही है, फोन गिर दिया लड़के ने, फोन गिर दिया, फोन गिराया हमने, दिखाओ जी दिखा दिया। ऐसे होता है ना, वैसे भी कहते हैं ना मंगवी चीजों में लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये रियलिटी है। पर ठीक है ना, ज्वेलरी सबके पास होनी चाहिए ताकि मिक्स एंड मैच करके पहन। अरे वैसे भी हमारे, हमें ऐसा लग रहा है, आ रहा है देखो, मैंने ना केशव ज्वेलरी से ऑर्डर तो कर दिया, अब मुझे लग रहा था मिले नहीं मिले नहीं मिले, पर टाइम से उसने मेरे को सब कुछ। काम करेंगे गोलू, एक मैं पहन लूंगी ग्रीन और एक तू पहन लो ग्रीन, ठीक है? पहन आपने वो जो पहला ग्रीन निकाला था वो डालो दीदी। हाँ वो डालो, ये वाला, हाँ ये डालो। पायल मैंने तेरे लिए एक सरप्राइज मंगवाया, वो आ गया। व्हाट सरप्राइज? बस आने वाला है, मैं एक बार पेमेंट कर दूं सरप्राइज की। मैंने तेरे लिए कुछ गिफ्ट मंगवाया, बर्थडे गिफ्ट था मेरी तरफ से, तो पेंडिंग था भाई। हाँ भाई, पायल के लिए गाइस मैंने बर्थडे गिफ्ट मंगवाया था, तो बस वो ऑन द वे है। तो भाई शादी से पहले सारी ज्वेलरी आ गई है, ज्वेलरी की टेंशन थी मुझे कल, इसका ज्वेलरी का बॉक्स देख के मुझे हो रहा था यार हम क्या पहनेंगे। हम ज्वेलरी है अभी आपके पास, इतनी ज्वेलरी है, नहीं पहनने का लड़कियों के पास जितने मर्जी कपड़े। अभी देखी मैं जो हम दिल्ली से शॉपिंग करके लाए थे सारी ज्वेलरी की, वो तो नहीं, वो मैंने संभाल के रखी है। दिखा दे फिर वो भी, वो भी दिखाती हूँ, इतनी सुंदर ज्वेलरी, तुम देख ली ना तुम्हारी आंखें पार हो जाएंगी। दूसरों की चीजें पसंद आई और हम देख नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, जब तक देख लोगे तब तक ठीक रहेंगी, देखने के बाद हो जाए। सिर्फ हम देख सकते हैं, ले नहीं सकते क्योंकि पर पायल दीदी ने मुझे दे देनी है, कोई चक्कर ले लियो। अरे बहुत है इनके पास, अब हम भी आते हैं तो हम, मैं तो ऐसे इस बार सारे अपने लेके आई हूँ, अगर कभी मुझे लगेगी नीड तो मैं ले भी लूंगी। और क्या, शादी में यही होता है, बोलो ये निकाल ही ले, पहन ही ले। यार रुक जो, बहुत फोन आ रहे थे, ये हमने अच्छी लग रही है यार। हम पे किसने ये बुरी नजर डाली, मेरी पायल टूट गई, पायल टूट गई तो क्या। पायल भाभी को पायल पहनाएंगे, ये बाबू आज नहीं, फिर ये जिस दिन थोड़ा वाला वो भाभी ब्राइड डायमंड का मंगलसूत्र अंदर रखते हैं, ये भाभी का, अब मेरी खराब हो गई। ये ले हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, रो रो पड़ी Forever new फिर से फिर।
मैं दिल्ली से आई तो बेहोश, बाहर से सामान आया तो बेहोश। आजकल बेहोश भी होती है, दो तीन दिन से बेहोश नहीं होती। अच्छा, तो आज इकट्ठे दो बार चक्कर आ गए। फॉर एवर न्यू की ड्रेस है, छह तक पूजा है ना, पूरे दिन से भूखी है, इसने कहा था छोले भटूरे बनाएंगे। सच्ची भूखी हूँ, भूखा बंदे को जो मिल जाए खाना क्या चाहिए। इतने रायता बूंदी था, इतने ये था सरप्राइज। क्या था मुझे लेना था, मैं सुबह से सपने देख रही हूँ। जब मैंने कल चलो भैया चले, भैया ने कहा पहले मैंने भी आपका ये है कल के। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा कि देखो दो कुड़ी अनादर हो रहा है। हाँ। भैया आपको ध्यान रखना है, जितना खाना है उतना ही लो भाई। बहुत टेस्टी खाना है यार, हम सब तो खाना खा रहे हैं। दुल्हन ने खाया नहीं खाया पूछ लेते हैं। एक काम कर, मंदीप को बोल दे मैं भाभी को, भैया आप खाना खिलाओ भाभी को अपने हाथों से। मैं खाना भिजवाऊंगी, कौन खिलाएगा, कोई फ्री है ऊपर? ठीक है मैं वो खाना भिजवा दूँ ऊपर। ठीक है, हमारे घर के बच्चे इतने निकम्मे हो गए, इतने निकम्मे हो गए ना, बोला कि यार मेहंदी लग रही है, नींबू चीनी का जो घोल होता है वो लिया। तो मुस्कान को लगा पता नहीं क्या बोला है, तो मुस्कान ना पूरा बर्तन भर के नींबू पानी बना के ले आई। बताओ ये पर नींबू पानी, पागल है वो लड़की बिल्कुल। तो गाइज यहाँ पे देखो कितनी प्यारी मेहंदी, इतनी प्रोफेशनल मेहंदी लगाई है ना, मतलब दूल्हा दुल्हन बनाया, मतलब ये ब्राइड मेहंदी है पूरी, ये पूरी प्रॉपर ब्राइड मेहंदी है। इधर देखो दूल्हा है, इधर दुल्हन है, मंडप भी बनाया है, कलश भी बनाया है, यहाँ पे दोनों को मिलवा भी दिया एक साथ, लव स्टोरी यहाँ पे कर रहे हैं अपनी पूरी। तो बहुत प्रोफेशनल हो गए यार, मेरी शादी में मिल जाते तो मैं नहीं लगवा लेती आप लोगों से। तो गाइस पूरी खाने के बाद रायता पीने के बाद तेज की नींद आ गई ना, मन तो कर रहा है एक घंटा सो जाऊं, और सो गई ना तो बहुत सारा काम रुक जाएगा। देखते हैं अब क्या प्लान है, और सीढ़ी नहीं चढ़ी जा रही, मेरे से ना उतरी जा रही है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है दोनों साइड। तो गाइस अब हम थोड़ी देर ना एक डेढ़ घंटा नींद लगा रहे, क्योंकि हम सबसे पहले उठे थे मैं और गोलू, और अभी सोए भी 4:30 बजे के करीब थे। तो जब तक नींद नहीं हुई है तब तक कोई फंक्शन अच्छे से अटेंड नहीं हो पाएगा, तो मैं गोलू और हम सब सोने जा रहे हैं। तो भाई शाम के बज चुके हैं पूरे 4, और अभी तक भाभी की मेहंदी चल रही है। अभी मुझे लगता है घंटा लगेगा, एक घंटा और लगेगा भाभी की मेहंदी कंप्लीट होगी, तब तक जो है मैं आधा घंटा सोई हूँ सर, आधा घंटा नींद करके आ गई है मैं, थोड़ी होगी फ्रेश है ना। तो चाय वाय पीते हैं पहले, उसके बाद लगाते हैं मेहंदी। तो भाई मेरी बहन आ गई है दिल्ली से स्पेशल मेरे लिए, इसको लग रहा था कि आज के या कल के दिन में पायल रोने वाली है, तो इसके रोने से पहले मैं पहुंच जाती हूँ। तो यहाँ पे मेहंदी की रस्म तो चली रही थी, मैं कह रही सबसे पहले तो मेहंदी लगवा ले। ठीक है लगवा। तो गाइज मैं नहा चुकी हूँ, सर नहीं धोया, सर मैं धोंगी कल फाइनली, और मैं जाती हूँ मेहंदी लगवा लेती हूँ। भाभी की मेहंदी कंप्लीट हो गई है, मेहंदी वाले भैया बोल रहे हैं दीदी आप आ जाओ, तो मैं जा। इसकी तुबा की मेहंदी दिखा कलर चढ़ा, इसका कलर दिखा, ओ मेरे बेटी का कलर, नींबू पानी लगाया इसके, नींबू नींबू का लश लगाया इसके। हमारी लड़कियां इतनी कमी हो रही है, इनका कंबल उतार के मैं तय लगा के रख गई थी, मैं बोल गई उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, देखो सर कैसे पड़ी है, उठ चलो मैं देखो चलो उठो उठो जल्दी उठो। मैं कितनी एक्टिव हूँ यार, मैं 36 साल की औरत, तुम 21-22 साल की यार, सो जाओ साथ दीदी, आ जाओ दीदी, आ जाओ साथ सो जाओ, आ जाओ मान ले मैं 36 साल की हूँ। हाँ आई एम 36 इयर्स ओल्ड लेडी, बट स्टिल आई एम 16 इयर्स ओल्ड गर्ल, लाइक 26, 25, 21, 24। इतनी जवान जवान लड़कियों से ज्यादा जवान मैं लग रही हूँ, इतनी मैं एक्टिव लग रही हूँ, सिर्फ 2-2.5 घंटे की नींद पूरी करके, और मैं ऐसा धमाल करने वाली हूँ, और मम्मी भी आ चुकी है, चलो मेहंदी लगा, गोले गोले लगाने, नहीं नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो मैं लगा दूंगी वैसे ही। चलो एक काम करो, या फिर पहले मेहंदी लगवा लो, मेहंदी अपनी सूख जाएगी फिर रेडी होंगे। हाँ। तो यहाँ पे मैं लड़कियों को उठते ही इनकी इतनी सेवा कर रही हूँ, देख लो इनको ठंड लग रही थी, मैं लो सॉक्स, चाहे सॉक्स थोड़ी सी फटी हुई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉक्स पहननी जरूरी है, सॉक्स तो दी है मगर पाँव तो ठंड से
बच गए हैं। चप्पल वार ठीक है, सॉक्स पहनो। एक और मैं तो नंगे पैर घूमूंगा। भाई जीना पास पहले क्रॉक्स थी ना जामनी वाली, तो हाँ उसने ब्लू और एक व्हाइट और तीन और मंगाई है, सारी उसको 50% से भी ज्यादा। चलो मैं भी देखूंगी। एक लड़की और रह गई, उसे और कोई एक और लड़की कहाँ गई? आंटी सारी सॉक्स सारी चप्पलें बाहर निकाल दो, कोई भी चप्पल अंदर ना लेके आए। ठीक है तो गाइस मैं नहा धो के हो गया हूँ रेडी, और पायल मुझे बोल रही है कि आप भी मेहंदी लगवाओ। तो मैंने अपनी शादी में मेहंदी लगवाई थी, क्या मुझे यहाँ भी लगवानी पड़े? बिल्कुल लगवाएंगे, सारे पूरे बॉयज लगवाएंगे। तो भाई यहाँ पे लड़के ने गोल्ड की चैन पहन ली है, और उसके बाद गोलू कह रही है अब ये महंगा हो गया। मैंने बोला महंगा तो पहले भी था, अब तो ये है कि बस ऐसे ही चलो पहन ली, कोई बात नहीं। थोड़ा ज्यादा महंगा हो गया, जितने का था उससे ज्यादा हो गया। मतलब इसकी कीमत लगा दी तूने बच्चे? अनमोल है ये तो, अनमोल है। नहीं तो गाइस अभी अभी भाभी की कॉल आई है आधे से पौने घंटे में, जो हमारा गोलू बेटा है वो भी पहुंचने वाला है। भाभी को भी बोला था मैंने आ जाओ, क्योंकि भाभी थोड़ी तबीयत खराब थी तो इसलिए वो आ नहीं पाए। तो गाइस हमारा जैद जो है बहुत ज्यादा शैतान हो गया है, उसने देखो सारी चाय गिरा दी। चलो तो ठंडी चाय थी, इसके ऊपर नहीं गिरी। हाँ ठंडी थी इसलिए इसके ऊपर नहीं गिरी। हम ना बिल्कुल दूर रखते हैं, जब भी चाय वाय पीते ना हम हाथ में भी नहीं लेते इनको, पता है? हाँ क्योंकि ये टिकने वाले बच्चे नहीं है, अभी बड़े हो गए हैं तो ये टिकते नहीं है। एक काम करो मम्मी इसको आप साथ लेके जाओ, ये मेरा लाल है। हाँ सही बता रही हूँ मैं, जब से ये हुआ है ना मैं यही कहती हूँ ये मेरा फेवरेट है। अच्छा ये नहीं, ऐसा क्या ये क्या, ये मेरा ज्यादा फेवरेट है। देखो ये ऐसे करता है, ऐसे करते सुबह भी ऐसे पहचानते तो गई ही नहीं मम्मी के पास, या तो बोलो जैसे मैं आई थी ऐसे देख रहे थे जैसे जान होते हैं, ये तो आते ही आ गया, इसको पता नानी है। चलो जैद तो फिर भी चला जाता है, तूबा तो बिल्कुल नहीं जाती, तूबा नहीं जाती, तूबा बिल्कुल नहीं जाती। ये अभी थोड़ी देर खेल रही थी मेरे साथ। वैसे खेलती है, वैसे आप खेल अगर हमें देख लेगी ना फिर नहीं खेलेगी। तो पायल मैडम कह रही है कि आप ना कुर्ता पजामा पहन लो, तो मैं बोला कि मैं व्हाइट में थोड़ा सा अच्छा लग रहा हूँ, और थोड़ा फेस भी पतला लग रहा है क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा वर्कआउट भी ज्यादा कर रहा हूँ, डाइट पे भी ध्यान दे रहा हूँ, और पायल वर्कआउट पे ध्यान नहीं देते। गुड्डू आज ही तो नहीं, आज संडे है, आज छुट्टी तो दे दो। दे दी, रेगुलर तो करते हैं, आज छुट्टी हमारी। तो गाइस थैंक टू गॉड कि आज गॉड ने आज भाभी की मेहंदी कंप्लीट हो गई है फाइनली। टाइम क्या हुआ, टाइम बताओ? पूरे 5 बजे। मैंने कहा था 1 घंटा लगेगा, मैंने बोला था 4 बजे में आई थी यहाँ पे ऊपर, मैंने बोला 5 घंटे लगे भाई, इतना तो बनता है जिंदगी में एक बार शादी तभी बोलते हैं शादी, सही बोला भैया? और इतने पेशेंस लेडी को तभी आते हैं जब उसकी वैसे नहीं लगवा सकती आप कोई और फंक्शन में, यही होता है। चलो अभी से अच्छे से सुबह, और देखो भगवान की दया से वेदर भी ठीक था, तभी तो बोला थैंक टू गॉड। ये देखिए यहाँ का सूट, तो गाइस हम लोगों ने शावर ले लिया, अभी लग नहीं रहा, अभी जा रहे नीचे रेडी होने के लिए, फिर हम मस्त से कपड़े पहन के आ रहे दोनों। हमें भी ट्रांजिशन वीडियो शूट करनी थी तो वो शूट कर लिया, वो आपको दिखेगी हमारे इंस्टाग्राम पे। और इंस्टाग्राम पे हमने जिन लोगों से मेहंदी लगवाई है, जिन भैया से मेहंदी लगवाई, मैं उनकी आईडी भी उसके ना मेंशन करूंगी, अगर आपके घर में भी कोई भी फंक्शन है, क्योंकि देखो त्योहार तो हर किसी के घर में आता है, तो आप भैया को बुक करना, बहुत जबरदस्त मेहंदी है। तो गाइस यहाँ पे निकाल लिया है मैंने नया मेकअप, नया वाला ब्लशर, नया वाला स्टेला का हाईलाइटर, क्योंकि ना मेरे को 2-3 दिन से हाईलाइटर मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो आज फंक्शन है, आई शेडो ही लगा रहे थे हम, क्योंकि वापस ये वाली ना इसका नाम किया है चारमेसी। हाँ चारमेसी वाली जो है ना आई शेडो, इसको हम हाईलाइटर बना के लगा रहे थे। एक हेयरबैंड निकाल के दिए उसको, तूने सारे हेयरबैंड खो दिए हैं। जब आपके हाथ में नेल एक्सटेंशन हो ना तो आपको ना क्रीम ऐसे निकालनी चाहिए, ऐसे करके मैंने पायल से देखा था, पायल लग रहा है मेरा नाम लेगी कि नहीं लेगी, नहीं लेती ना तो पैसे टोक देती, वैसी हूँ बता, नहीं तो ऐसी नहीं, जो चीज रियल होती है जो चीज होती है, क्योंकि मैंने ना दिल्ली के अंदर पायल को देखा था ऐसे क्रीम निकालती, मैंने ऐसे क्रीम निकालती, मेरी इतनी सारी क्रीम अंदर फंस जाती, फिर अगली बार मैंने पायल को देखा ऐसे निकालती, तब से मैं ऐसे ही क्रीम लगाती हूँ। तो मैंने कर लिया फेस को प्रेप, थोड़ा सा लेट हो गया मेकअप करने में, वो सामान निकालने में टाइम लग गया, चीकू को बैंड देने में, देखिए मेरी आई शैडो सही लगी, देखना गाइस सही लगी, देखियो हाँ सही लगी, सिंपल सोपर सिंपल सोपर। आज मैं लगाने वाली हूँ अपना नया लाइट ब्लशर भी। तो गाइस ये बोलते हैं बचत करना, जब आपका फाउंडेशन खत्म हो जाए ना तो हम ऐसे निकालते हैं, यार नार्स का फाउंडेशन है, पहले देख अब पता चल रहा है खत्म हो रहा है, देखो पता कितना महीने हो गए इसके, बहुत महीने हो गए, 7 महीने से चला हमारे, और हमने ये यूज किया है, हमने सर नहीं धोया, ये तो सर भी धोके आ गई थोड़ी फास्ट हो गई, दीदी के साथ रह रहे की मैं भी फास्ट हो रही, जल्दी उठाया पर हमने सुला के जिसे माँ बोला, उससे माँ बोला, माँ बोला मम्मी, 2-3 बार माँ बोला है, माँ बोला माँ माँ, तू जाने से पहले पहले इसको घर नानी भी सिखा दू, नानी वो नानी। तो मैं ये सोच रही थी कि लेंस लगाऊंगा आज, फिर मैंने सोचा कि नहीं 2 ही लेंस पड़े हैं, वो हम शादी वाले दिन लगाएंगे, शादी वाले दिन अलग लुक आएगी, नहीं नहीं हम अलग लुक करेंगे शादी वाले दिन, आइस के ऊपर रोज लगा रहे हो ना, हम एक ही दिन लगाएंगे, हम अलग दिखेंगे, वो अलग दिखेंगे, यार बोलो ये मैंने टू फेस का लिया था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा तो मुझे वो वाला लगता है बैक का, अरे तेरे को लगाना नहीं आता, जा आंख बंद कर, ठीक है 1 2 3 एक बार बता मेकअप आर्टिस्ट तुमसे करके रहेगा, देखो ला तेरे को ऐसे दूर से भाग जाइयो, ठीक है तू भागियो मैं भागूं, एक और यहाँ तो लगा ही नहीं, ठीक है
ठीक है। तो भाई शादी वाले घर में नया मेहमान आ गया है, एंटर कर गया है, तो अभी थोड़ी सी ग्रूमिंग करूंगा मैं, यानी कि थोड़ा सा इसको नहलाऊं धुलाऊंगा, चमकाऊंगा थोड़ा सा। मेरे को लगा बच्चे की बात कर रहे हो। दीदी पंखा 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 चल रहा है, पंखा बंद कर दी, पंखा बंद कर दी। मम्मी देखो कौन आया है, गंगा आई है। आप गंगा से मिली हो पहले कभी? आपको उठा रहा हूं मैं, एक मिनट। आप गंगा से मिली हो? नहीं, वहाँ मिली थी। कहाँ? फार्म पे। ठीक है, उठा लोगे? अच्छा तो बोलने लगा मैं, आवाज तो निकाले जा रहा है, देखो जरा ये आवाज से तो डर लगता है मुझे, आवाज डर मैं नहीं कर सकती। डरो मत ना, बाजू में मम्मी का मेरे से हाथ है, उसके बाजू में ले लो। यार जो इंसान पक्षियों से डरता है वो शादी क्या करेगा? शादी में कर, अरे मेरी तो हो गई। आपके लगे इधर तो आप चल, मेरे को जीना है अभी। तो ये कौन काट लेगा? मम्मी नहीं खाता, देखो नहीं खाता हूँ मैं, बच्चा नहीं अभी, राम खाता है, राम वो बड़ा है, बड़ा है इससे, वो तो सीधा अंगुली का आ जाता है, ये तो फिर प्यार करते। देखो दो मम्मी रुकना, तो गाइस ये है 2 मिनट का जोड़ा, और 2 मिनट लगे पायल ने बहुत अच्छा करा कि ना सारी एक्सेसरी मंगवा के रख दी, क्योंकि मेरे बाल इतने छोटे से हो गए हैं। तो मैंने भी ये क्या बोलते हैं इसको, नकली बाल लगाकर जोड़ा करा लिया, बस आगे ट्विल्स कर ली, फटाफट हो गए हम रेडी, बस अभी जाते हैं ऊपर और मेहंदी लगवाते हैं ना। अब आज वाला जो लहंगा पायल इसकी फिटिंग से आई है, इसकी फिटिंग बिल्कुल अच्छी दी है उसने, प्रॉपर दी है, और वो भी लहंगा उसी का था। हाँ लिवाची का था वो भी, बट फिर वो ये मेरे को लगता है स्टाइल का फर्क, स्टाइल कपड़े का फर्क है, कपड़े का फर्क है। आज मैंने बहुत टाइम बस स्लीवलेस पहना है, स्लीवलेस थोड़ी है, मतलब एक सही लग रहा है, सही लग रहा है। अपनी मांग सुहागन हो, संघ हमेशा साजन हो, ला ला ला, आजा मेरी जिंदगी में आके, आजा मेरी जिंदगी में आजा। क्या करना है, क्या करना है, क्या मांग बनी है, सबको बुलाती हूँ, इनमें सब ताली मारेंगे, ये रही मेरी मांग, ये रही। चलो हो गया, एक और भी है, चलो ऐश करो। मेरा मंगलसूत्र, मंगलसूत्र अभी मेरे पास भी है, लंबा वाला। ओम मंगलम भगवान, नकली हुआ, हम नकली पति असली है, तो पति ने बना दिया, असली लेना था फिर हमने छोड़ा। सही करा, सही किया, बहुत महंगा था। अगर देखा जाए ना ये फंक्शन ना इन्हीं का है, हमारा नहीं है, सारा फंक्शन और तो होता, हमारा तो लास्ट मंदिर भाई के टाइम पे एक शेरवानी पहन के फिर खड़े हो जाएंगे, उसके बाद खत्म माहौल। आपको मेहंदी भी तो लगवानी है, सारे बॉयज लगवाएंगे। हाँ चलो, ओहो मैं तो भूल ही गई, तारीफ करवाने के लिए आई थी मैं। तो 2 दिन से ना हम देख रहे थे गंगा को हुआ गया, गंगा को हुआ गया, तो गंगा का ना पाँव का थोड़ा नाखून टूट गया, और उसकी वजह से ना इसको ब्लीडिंग हो रही है। देखो कपड़े खराब कर दिए थोड़े से, पर अब ना इसको थोड़े से ना बीटाडीन लगा के पट्टी करता हूँ, और फिर इसको थोड़ा आराम करवाता हूँ, और जाल जूल में फंस गई होगी ना पिंजरे में। रुक जा बेटा, रुक जा, पंगे लेते हैं, ऊपर घूमते हैं। भैया इसकी मेहंदी में कितना टाइम लगेगा? एक घंटा मुझे और वेट करना है, क्योंकि भैया कह रहे हैं मैं तसल्ली से लगाना चाहता हूँ मेहंदी, जैसे हमने ब्राइड को लगाई ना ऐसे आप लोगों को भी लगाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है पहले इसको लगा दो, इसकी लग जाएगी फिर मेरे को लगा देना, तब तक मैं बच्चों को देख लेती हूँ। ठीक है ठीक है, चलो। और भाई भैया मैंने मेरी शादी में ना मोर बनवाया था यहाँ पैर पे, इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर, आप मेरे मोर ही छाप दो, बेफिक्र उससे और अच्छी लगाएंगे, उससे और अच्छी। तो भैया कह रहे हैं दूल्हा दुल्हन बनाएंगे आपके हाथ पे, मैंने कहा दूल्हा दुल्हन बनाओगे तो एक काम करना, बीच में दूल्हा बिठा देना, दो दुल्हन साइड में बिठा देना, ठीक है भैया? ठीक है, तो दोनों के सेम ही लगा देना। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मेरी मेहंदी स्टार्ट हो गई, और भैया कह रहे बहुत ज्यादा सुंदर और डिफरेंट मेहंदी लगने वाली है, तो देखते हैं। और फटाफट हम लोगों ने आज मेकअप फटाफट करा है, और हेयर स्टाइल फटाफट करा है, पर अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर लुक हो जाती है ना, तो आपकी जो मेकअप है हेयर डू ना एनहांस होकर आती है। तो यहाँ पे चीकू के पापा ना लव कुश को पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनको खाना खिला रहे थे, और कुश जो है ना बाहर निकल गया है, और देखो ये दिखेगा आपको, देखो कुश को खाना खिला रहे थे, और कुश ना मन कर दो इसे। वाओ कितने प्यारे मोर बने ना, है ना, बहुत सुंदर मेहंदी लगाई, बहुत सुंदर। नाली ना तू, तू मना किया था ना नहाने से, नहा लिया मैं भी, नाली मैंने भी कहा मैं नहाऊंगी नहीं नहाऊंगी, ट्रैवल करके आओ ना, नहाए बिना, मैं भी नहाई हूँ, सारे नहाए हैं भाई, पर हेड वॉश नहीं करा, अच्छा हुआ हेड वॉश नहीं किया, वरना तो जुड़ा ही था। तो गाइस यहाँ पे मेरी मेहंदी डिसाइड हो रही है बहुत देर से, कि भैया कह रहे हैं कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो बैल नहीं वो महल, महल बोला मुझे बैल सुनाई दिया, बैल बना दो, भैया मजाक उड़ा रहे क्या? तो एक काम करके नीचे जाके ना, अभी 2 भैया बैठे हुए हैं, किसी को बोल मेहंदी लगवा लो, फिर सब टाइम से फ्री हो जाएंगे। ठीक है पापी जी। भैया बहुत सही किया हमने कि भाभी की मेहंदी पहले ही लगा दी, क्योंकि उनको बहुत टाइम लगा था कि ब्राइडल मेहंदी थी। तो भाई मेहंदी लगाने का शौक है, लेकिन वेट करने का बिल्कुल शौक नहीं है, तो यहाँ पे ड्रायर से लगी रही है लड़कियाँ, और मेहंदी सुखा रही है। तो भाई ऊपर से आना पड़ा नीचे, क्योंकि यहाँ पे सही है, ऊपर ना बहुत तेज हवा चल रही थी, और जब मेहंदी लगती है ना तो ऑटोमेटिकली ठंड लगती है, तो मैंने कहा कभी मेरी तबीयत खराब हो जाए, और घर के फंक्शन है, भागम दौड़ी है, कौन देखेगा, इसलिए हम आ गए नीचे। सही है ना, नीचे
नीचे और भाभी को सही टाइम पे लग गई, पैर की पैर लगेगी आपको, बीमार होने का कोई चांस नहीं और कंफर्टेबल भी ऊपर पायल डन हो गया एक हैंड। शुक्र है, देख कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। मैंने बोला इधर वाले हैंड में ना कुछ बेल बना दो लंबी सी, भैया कहते नहीं बनाऊंगा। भैया मेरी बात सुनो, जल्दी वाली लगा दो भैया प्लीज प्लीज भैया प्लीज। इससे हमारे हम इट्स माय, मैंने तो बोला जैसी यहाँ लगी ना सेम टू सेम यहाँ 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 सब जगह। हम्बल रिक्वेस्ट यार। वैसे मम्मी एक बात बताओ, हम चूड़ी पहनेंगे, हमारी ये वाली मेहंदी तो दिखेगी नहीं। हाँ दिखेगी नहीं, फिर इतनी मेहनत क्यों करनी, देखना तभी तो मैंने चीकू के सब यहाँ बनवाए हैं। लगाती है इतनी इतनी मेहंदी तो इतना तो चूड़ा आ जाता है, उसकी कौन सी नजर आती है। फिर भी लोग, पर उसको पहली बार लगती है ना मम्मी, वो शौक होता है, हमें तो कितनी बार लग गई। हाँ ये है, दुल्हन को तो होता है, पैरों तक भी इतनी इतनी लगी हुई है, अच्छी लगती है, सुंदर। नींद आने लग गई मुझे तो, सिर भी भारी हो रहा है। नींद सिर भारी हो रहा है, अभी चाय पियेंगे। नींद आ रही, नीचे खाने वाले भैया को मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया खाने वाले भैया को आप खाना वाना लगाओ, सब खाएंगे, थक गए बहुत ज्यादा। मेरी बैक साइड तो हो गई है, अभी ये वाली बैक साइड हो रही है, बैक साइड होने के बाद मेरी एक ट्रांजिशन वीडियो बनाने वाले मैं और बोलूं वो बनाएंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। यार समझ नहीं आ रहा मेरे को तो, सच में तो बहुत देर हो गई, मेरे को तो कार तेरे से भी एक घंटा पहले बैठी थी। मैं कह रही हूँ भैया को कि कुत्ता बना दो, बिल्ली बना दो, जो सबसे बेकार हो वो बना दो, मन मेरा पीछे छोड़ दे। मम्मी एक्चुअली दो दिन की नींद मम्मी की पूरी नहीं हुई है, मम्मी बहुत ज्यादा थकी हुई है। यहाँ पे आने के बाद में मम्मी को नींद नहीं आई थी, हम यहाँ दो ढाई घंटे सो गए थे, मम्मी उसी वाले रात को सोने की है ना, मैं नहीं सो सकता। वैसे लेटी रही थी मैं, ऐसे शॉल डाल के ऊपर लेट गई। और मम्मी आज तो आपको सोने नहीं देंगे हम, क्योंकि हमने बोला था रौनक तो मम्मी लगाएगी। अब मेरे को रौनक मेरी आंखों में लग रही है, रौनक रौनक पे ऐनक लगा के रौनक लगा। तो कह रही हूँ मम्मी एक घंटा सो जाओ, नहीं मेरे को नींद नहीं आती। बोले मैंने टेढ़े हाथ से मैगी खाई एक चम्मच, बहुत भूख लग रही है, तो हमने कहा नीचे खाना तो खाएंगे तब खाएंगे, बिल्कुल प्लेन में मैगी बनवाइए, मैगी खा लेते हैं। ये भी कह रही मैं भी खाऊंगी, तो गाइस चैनल को पूरी तरीके से देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करा करो, यहाँ पे बेल बटन है, जिसने अभी तक जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी आके सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस मेहंदी तो लगती रहेगी लगती रहेगी लगती रहेगी, ऐसा लग रहा खत्म ही नहीं होगी। और मैंने भाभी को बुला लिया, भाभी की मेहंदी देखो, भाभी की मेहंदी बहुत ही प्यारी कलर आएगा, कल तक तो सुबह तक भाभी की मेहंदी काली हो जाएगी, शादी तक तो और काली और काली हो जाएगी। तो गाइस फाइनली हमारी मेहंदी हो गई कम्प्लीट, मेरा ये रह गया, मैंने कहा भैया पहले खाना खा के आओ, जब आप खाना वाना खा लोगे उसके बाद मैं देखूंगी क्या करवाना है। तो मेरी ये वाला हाथ तो पूरा हो गया, गोलू का कंप्लीट, मेरी नहीं थोड़ी सी रह गई बैक की मेहंदी, हमने कहा काम है ऊपर अपनी फोटोज और वीडियोस करने। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम ब्राइड के साथ एक वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी आएगी इंस्टाग्राम पे, तो उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको आती है, आपको चश्मा है, आप मुझे पकड़ा, मैं पकड़ा दूंगा, हम जाएंगे। अरे बड़ा कंफ्यूज हो रहा है, लिपसिंग गाना, लिपसिंग नहीं गाना, नहीं गाना नहीं करना, पागल है क्या यार, लिपसिंग गाएंगे तो साउंड की आवाज नहीं आएगी। हाँ ठीक है ठीक है ओके ओके ओके, डन 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 डन। आज इतनी दिन बाद इतनी सारी ग्रुप में लड़कियों की वीडियो बन पा रही है, ना कर शादी ना बर्बादी, नहीं नहीं ना कर शादी ये बर्बादी, ना कर ऐसा ना कर शादी ये बर्बादी, ना कर शादी ये बर्बादी, बस ठीक है फिर ना पछताना तुम्हारा है, चलो शुरू करो, मत कर शादी, क्यों मत करो, बस चप्पल निकाल दे, मजा करेंगे। भाभी मत रो, पायल देख, पायल भाभी रो रही है, भाभी ऐसे नहीं करते भाभी। हाँ तो अरे इतनी मुश्किल से तो आपको ये मौका मिला है, क्यों रोना है, नहीं रोते नहीं है। तो गाइज हम अपनी मेहंदी यही उतार के जा रहे हैं, क्योंकि नीचे पूरे सफाई करवा दी है, क्योंकि अब होने वाला है बहुत जोरदार संगीत, क्योंकि मम्मी आ चुकी है और हमारी बच्चों ने भी हमारे वो गीत याद कर लिया, और आज हम भी फुल फॉर्म में है, तो फटाफट मेहंदी क्लीन करते हैं और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे सारे करेंगे, बाय बाय बाय। तो गाइस मिलते हैं कल हल्दी वाले ब्लॉग में, बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। तो भाभी जरा आप भी जरा बाय बाय कर दो, बाय, चैनल को जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, शादी की वीडियो 13 तारीख को आपको मिलेगी, सब्सक्राइब करना, लाइक करना।